नमस्कार, आप देख रहे हैं ई पेपर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी शनिवार को जमशेदपुर पहुंची। जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इस ट्रॉफी का प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शनी शाम 6 बजे तक रहेगी। इस दौरान आम जनता इस ट्रॉफी का दीदार कर सकेंगी। मौके पर जमशेदपुर के नवल टाटा हॉकी एकेडमी और टाटा स्टील के अलावा जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अधिकारी समेत हॉकी के खिलाड़ी मौजूद रहे। महत्वपूर्ण दिन है सभी खेल प्रेमियों के लिए, खासकर के जो जमशेदपुर और इसके आसपास में रहते हैं, क्योंकि ऐसा आपको पता है कि हॉकी का वर्ल्ड कप जो है वो हमारे देश में आयोजित किया जा रहा है उड़ीसा में, और वो जो ट्रॉफी मिलेगी विजेता टीम को, उस ट्रॉफी का हम लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन रखा है पब्लिक व्यूइंग के लिए। सो आज ये सुबह से लेकर शाम 6:30-7 बजे तक ये यहाँ पे पब्लिक में डिस्प्ले किया जाएगा, और हम लोग कवर किया है सबों को कि हम चाहते हैं कि जितने भी अपकमिंग स्पोर्ट्स पर्सन हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी संघ से जुड़े हुए लोग हैं, जो आम जनता है जिनको खेलों से दिलचस्पी है, जो चाहते हैं कि हॉकी में हमारी टीम एक बार फिर से अपना पुराना जो गौरव बना गौरवशाली इतिहास को वापस प्राप्त करें और हमारी टीम को चीयर करे, हमारी टीम को यहाँ से गुड विशेज दे आके, तो इसके लिए हम लोगों ने ये जो ट्रॉफी टूर हुआ है वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को यहाँ रखा गया है। तो हम चाहेंगे कि भारी से भारी संख्या में लोग यहाँ पे आए। एक समय भारत बहुत टॉप लेवल पे हुआ करता था हॉकी। जी जी जी, तो वो जो हमारी गौरवशाली परंपरा थी हॉकी में, विश्व हॉकी में, वो हम लोग फिर से अब वापस उसको पाने की दिशा में प्रयासरत हैं, और इसलिए ये वर्ल्ड कप जो यहाँ पे हो रहा है इससे बहुत फ़ायदा होगा देश की हॉकी को। बच्चे देखेंगे टूर्नामेंट में बड़े बड़े प्लेयर आ रहे हैं बड़े बड़े कंट्रीज से, उनसे सीखेंगे, मोटिवेटेड फील करेंगे, और आज जब ये ट्रॉफी को देख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ अकेडमी के बच्चे हैं, बाकी लोग को भी आपने देखा कितने उत्साहित थे, और ये सभी आगे चल के जरूर ऐसा लगेगा कि देश में हॉकी का बहुत ज़्यादा जो है विकास हो। जो वर्ल्ड कप होने वाला है हॉकी का अगले महीने भुवनेश्वर में राउरकेला में, ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है जो पूरे भारत के भ्रमण पर है, और आज हम सबका सौभाग्य है कि टाटा स्टील नवल टाटा एकेडमी के सौजन्य से आज ये जमशेदपुर पहुंची है, जहां जमशेदपुर के लोग भी इस ट्रॉफी को देख पाएंगे, और ये अत्यंत गौरवशाली क्षण है जब भारत वर्ल्ड कप हॉकी की मेज़बानी कर रहा है, हमारा पड़ोसी राज्य उड़ीसा इसकी मेज़बानी कर रहा है। मैं पूरे जमशेदपुर वासियों की तरफ से हॉकी इंडिया का, टाटा स्टील का, खेलो इंडिया प्रोग्राम का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके सम्मिलित प्रयास से आज ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, और हम सबके सामने युवाओं को प्रेरित करने के लिए यहाँ पर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आज जमशेदपुर में मौजूद है। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।